हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको व्यूज़ के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो कि एक वर्चुअल टेबल होती है विच इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेबल ऑब्जेक्ट। व्यू हमारे दो तरह के होते हैं, सिंपल व्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स व्यूज़। तो व्यू बेसिकली इज अ वर्चुअल टेबल, डजेंट एग्जिस्ट फिजिकली, यानी उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जो टेबल पर डिपेंड होती है। इसको हम लोग नेमिंग क्वेरी भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखते हैं और हमें उसे बार बार अगर एग्जीक्यूट करना होता है तो हम उसे एक नाम दे देते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नेम्ड क्वेरी। व्यू डजेंट स्टोर एनी डेटा, मतलब व्यू में अपना कोई डेटा नहीं होता है, ये डेटा फैच करता है अपने डिपेंडेंट जो भी आप इसका पेरेंट टेबल होता है उससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। इसमें चार कॉलम है, आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी। अब इससे हम एक व्यू बनाते हैं जो कि इस टेबल पे डिपेंड है। अब व्यू में आप कुछ कॉलम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी टेबल का एक व्यू बनाया जाए। हमने क्या किया, एक जो है तीन कॉलम इसमें से फैच कर लिए और रो भी हमने सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी 10 और 30 वाली इसमें ली है। तो व्यू का सिंटैक्स क्या होता है हमारा, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज जो भी आप यहाँ सब क्वेरी लिखेंगे वो यहाँ पे वो व्यू बना देगा। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम आप दे सकते हो एज सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। यानी हमने एक व्यू बनाया जिसमें हमने नेम और सैलरी एम्प्लॉय टेबल का ले लिया। सिंपल व्यू जो होते हैं हमारे, उसमें ग्रुप फंक्शंस और ज्वाइनिंग नहीं होती है। इसमें DML ऑपरेशन यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पॉसिबल है। बट जैसा कि मैंने कहा, व्यू में अपना कोई डेटा नहीं होता है, तो व्यू पे किया गया कोई भी DML ऑपरेशन उसकी पेरेंट टेबल में इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, EMP1 में अगर आपने कोई रिकॉर्ड डाला तो वो रिकॉर्ड कहाँ जाके इंसर्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ टेबल में, क्योंकि वो उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट है। इस सिंपल व्यू में हमारे DML ऑपरेशन पॉसिबल है। कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होते हैं, जहाँ हम लोग किसी व्यू को ग्रुप फंक्शन, ज्वाइनिंग या किसी कॉम्प्लेक्स क्लॉजेस के थ्रू बनाते हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स व्यू कहते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, मैंने जॉइनिंग का इस्तेमाल किया है। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज सेलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इन अजॉइंट डिपार्टमेंट ऑन कंडीशन। यहाँ पे जो कॉलम है नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, ये दो टेबल से एक्सेस हो रहा है। सो इट्स नॉट अ सिंपल व्यू, इट्स अ कॉम्प्लेक्स व्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे जॉइनिंग यूज़ की है और यहाँ पे हमारा DML ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है इस व्यू के थ्रू, क्योंकि हमारे पास इस व्यू में दो कॉलम है, नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, जो कि दोनों अलग अलग टेबल से हैं। इनलाइन व्यू क्या होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी हमें कोई क्वेरी करनी होती है तो फ्रॉम क्लॉज में टेबल दिया जाता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, हम फ्रॉम क्लॉज में एक दूसरी सब क्वेरी भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख रहे हो सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम, टेबल नेम नहीं दिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमने एक सब क्वेरी दे दी, यानी कि हम लोग नेम और सैलरी फैच कर रहे हैं। हम चाहे तो डिपार्टमेंट आईडी भी इस सब क्वेरी से फैच कर सकते हैं। तो जब भी फ्रॉम क्लॉज में क्वेरी होती है तो उसे क्या बोला जाता है, इनलाइन व्यू। तो भाई चलिए, मैं इसको व्यू को आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि व्यूज़ हमारे क्या होते हैं। तो हमारे यहाँ पे किससे कनेक्ट है, सिस मनीष यूज़र से कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सिस यूज़र से कनेक्ट कर लेते हैं, एक एडमिन यूज़र से, और एक यूज़र बना लेते हैं। उससे पहले हमें सेशन ऑल्टर करना होगा यूज़र बनाने के लिए, क्योंकि हम सी हैश हैश प्रीफिक्स नहीं करना चाहते। क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम जैसे हमने ले लिया जेम्स, आइडेंटिफाइड बाय जेम्स, ओके। हमें इसे कौन कौन सा प्रिविलेज देना है, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, ओके, ताकि ये टेबल और व्यू को क्रिएट कर पाए। टू जेम्स, हमें उसे कोटा भी देना होगा, ग्रांट मैं भूल गया देना, हमें कोटा भी देना होगा इस यूज़र को, ऑल्टर यूज़र जेम्स, कोटा 10M ऑन यूज़र्स, यानी हम यूज़र्स टेबल स्पेस पे इसको 10MB का कोटा दे रहे हैं। अदरवाइज ये जो है टेबल क्रिएट, सॉरी इस पे इंसर्ट नहीं कर पाएगा रिकॉर्ड। तो हमने कनेक्ट किया इसको, क्रिएट सेशन का भी प्रिविलेज देना होगा, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो जेम्स के पास इस वक्त तीन प्रिविलेज हैं, क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल एंड क्रिएट व्यू, ऑल आर सिस्टम प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे जेम्स से कनेक्ट करते हैं, ओके। इसके पास देखते हैं कौन कौन से सिस्टम प्रिविलेजेस हैं,
कंफर्मेशन के लिए यूजर नेम प्रिविलेज फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रिव्स। ओके, तो इसके पास क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू एंड क्रिएट सेशन के प्रिविलेज हैं। प्रिविलेजेस मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अब हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक टेबल क्रिएट कर लिया, क्रिएट टेबल, टेबल नेम सपोज हमने दे दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रोल नंबर ले लिया, डेटा टाइप नेम कॉमा एड्रेस। ओके, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम अपने व्यू कॉन्सेप्ट को समझ सकें। हमने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए, वन अमित कानपुर, टू डेली, यहाँ पे थ्री ले लेते हैं। यहाँ मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे व्यूज को समझना है। तो यहाँ पे हमने चार रिकॉर्ड यहाँ पे डाल दिए हैं, आप देखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे गाइस एड्रेस कॉलम का फॉर्मेट सेट कर देते हैं कि वो कुछ लाइंस कुछ कैरेक्टर्स में ही आ जाए। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली है, आप देख सकते हैं सिलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, लेकिन अगर हम व्यू नेम देखें अगर डिक्शनरी व्यू में, तो यहाँ पे एक भी व्यू नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक व्यू बनाते हैं, क्रिएट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम, सॉरी क्रिएट व्यू, व्यू नेम, व्यू नेम हमने यहाँ पे दे दिया स्टड व्यू एज सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट टेबल में हमारे पास कितने कॉलम है, तीन, रोल नंबर नेम एंड एड्रेस, बट व्यू में हम कितने कॉलम ले रहे हैं, सिर्फ दो, रोल नंबर एंड नेम। तो यहाँ पे हमने एंटर किया, तो आप देखोगे यहाँ पे कि एक स्टूडेंट व्यू नाम से जो है व्यू बन गया, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आप, इसमें एड्रेस नहीं आ रहा है, आप इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, इसमें एड्रेस कॉलम नहीं होगा। और आप डिक्शनरी व्यू में देखोगे व्यू नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर व्यूज, तो ये व्यू जो है आ रहा होगा, राइट। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, जैसे आप चाहते हो कि आप किसी यूजर को, दूसरे यूजर को, अगर ये जेम्स यूजर चाहता है कि किसी दूसरे यूजर को इस टेबल पे प्रिविलेज दिया जाए लेकिन एड्रेस वो नहीं दिखाना चाहता है, तो हम ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स ना करके ये व्यू कर सकते हैं। ओके, तो सपोज हमने ये एक यूजर है हमारा मनीष नाम से, उसको दे दिया ग्रांट सेलेक्ट ऑन, सेलेक्ट ऑन स्टड व्यू, राइट। तो हमारा क्या हुआ कि हमने स्टूडेंट टेबल पे पूरा उसे सिलेक्शन न देख के इस पर्टिकुलर व्यू पे दिया, जिससे हम कुछ सेंसिटिव डेटा है जो एक्सेस करने से रोक सकते हैं, है ना। तो अब अगर यूज़र मनीष कनेक्ट करे और सिलेक्ट करे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जेम्स का स्टूडेंट टेबल, तो वो नहीं कर सकता, राइट। हमारे पास जेम्स यूज़र में एक टेबल है स्टूडेंट्स, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास प्रिविलेज नहीं है। ओ सॉरी, मनीष यूजर इज अ DBA, सो ही कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम एनी टेबल। तो हम लोग किसी दूसरे यूजर से कनेक्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, जेम्स से कनेक्ट करते हैं, ग्रांट करते हैं सिलेक्ट ऑन स्टड व्यू टू, हमारे पास और भी यूजर हैं, हमारे पास एक डेनिस यूजर है, हमने उसको ये प्रिविलेज दे दिया और कनेक्ट कर लेते हैं डेनिस से, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जेम्स का स्टूडेंट टेबल, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं है, उसके पास प्रिविलेजेस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट व्यू है जो उसे एक्सेस कर सकता है ना। यहाँ पे हमने उसको वो इन्फॉर्मेशन शो की अपने डेनिस यूज़र को, जो इन्फॉर्मेशन जेम्स यूज़र शो करना चाहता है, वो चाहता है जेम्स यूज़र कि एड्रेस जो है किसी दूसरे यूज़र को एक्सेस ना हो, तो सिर्फ रोल नंबर और नेम ही एक्सेस हो रहा है। गाइस ये एक तरह का सिंपल व्यू है,
हम लोग अपने वापस जेम्स यूज़र से कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे जो व्यू का नाम है, डिक्शनरी व्यू से देख लेते हैं, हमारे पास व्यू हैं कई सारे, तो डिक्शनरी व्यू से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम व्यू नेम ले सकते हैं और टेक्स्ट भी ले सकते हैं। टेक्स्ट में क्या दिखाया जाएगा कि जो व्यू आपने बनाया है वो किस क्वेरी का बनाया है, आपने एक क्वेरी को नाम दिया है स्टड व्यू, वो क्वेरी कौन सी है, तो आप वो टेक्स्ट कॉलम से देख सकते हैं, है ना। आपको दिख रहा है हमने जो व्यू बनाया है उसका नाम क्या है, स्टड व्यू, और किस क्वेरी से बनाया है वो क्वेरी भी यहाँ दिख रही है। हम लाइन साइज सेट कर लेते हैं ताकि हमारा डेटा एक ही लाइन में दिखाई दे। तो स्टड व्यू किस क्वेरी से बनाया, इससे बनाया। अब स्टूडेंट टेबल में तीन कॉलम है, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस, तो क्या हम इसके थ्रू इंसर्शन कर सकते हैं, हम बिल्कुल इसके थ्रू इंसर्शन कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू स्टड व्यू वैल्यूज, हम सिर्फ क्या दे सकते हैं, रोल नंबर और नेम और कुछ नहीं, ओके। तो क्या ये डेटा स्टूडेंट टेबल में गया है, बिल्कुल ये डेटा स्टूडेंट टेबल में ही गया है, व्यू सिर्फ उसमें से सिलेक्ट कर रहा है। व्यू इज जस्ट अ विंडो फॉर स्टूडेंट टेबल, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट टेबल का डेटा, वो भी पार्शियल, एड्रेस नहीं, सिर्फ रोल नंबर और नेम हम देख पा रहे हैं। तो सिंपल व्यू में डीएमएल ऑपरेशन पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम स्टड व्यू वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, ओके दैट्स पॉसिबल। वो रिकॉर्ड कहाँ से डिलीट हुआ होगा, स्टूडेंट टेबल से, क्योंकि व्यू की अपनी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। तो व्यू का क्या काम है, सबसे पहले तो हम जो इन्फॉर्मेशन दूसरे यूज़र को एक्सेस कराना चाहते हैं तो व्यू बना के हम उसे एक्सेस करा सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर कोई यूज़र हाइड करना चाहता है तो व्यू बना के उस व्यू पे दूसरे यूज़र को प्रिविलेज दे सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, और व्यूज़ का क्या काम है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग ऑरेकल के प्री डिफाइंड यूज़र एचआर स्कीमा से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेबल हैं। मैं एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी क्रिएट करूँगा, ओके। देखते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन देखना होगा हमें, डीएससी रीजन्स, हमारी एक रीजन टेबल है। मैं सेट लाइन साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ओके। तो रीजन टेबल में कितने कॉलम है, रीजन आई डी और रीजन नेम। रीजन आई डी यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की, ओके। डीएससी कंट्रीज, यहाँ पे कंट्रीज टेबल में कितने कॉलम है, 3, कंट्री आईडी, कंट्री नेम और रीजन आईडी, यहाँ पे क्या है, फॉरेन की, ओके। रीजन जैसे हमारे कॉन्टिनेंट हो गए, कंट्रीज जो हमारी कंट्रीज होती हैं किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसी तरह हमारे पास एक लोकेशन टेबल है, लोकेशन टेबल में कंट्री आईडी, फॉरेन की है, यहाँ से हमें सिटी मिल जाएगी। और डीएससी डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट टेबल में लोकेशन आईडी फॉरेन की है जो कि यहाँ प्राइमरी की है। और यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल है, वहाँ पे क्या है हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी। तो बेसिकली हमें क्या एक्सेस करना है, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो किस डिपार्टमेंट में है, वो डिपार्टमेंट किस सिटी में है, वो सिटी किस कंट्री में है और वो कंट्री किस रीजन में है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए हमें इन टेबल से ज्वाइन करना होगा। तो हमें क्या क्या एक्सेस करना है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, सिटी, कंट्री नेम एंड रीजन नेम, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको फैच करनी है और इसीलिए हमें क्या करना होगा, ज्वाइनिंग। तो हमने क्या किया, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई इनर जॉइन डिपार्टमेंट्स डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। ये किस तरह की जॉइनिंग है, ये इनर जॉइन है, सिर्फ मैचिंग डेटा देगी, जिन एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट नहीं होगा वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ओके। हमने फिर क्या किया, इनर जॉइन लोकेशंस एल ऑन एल डॉट लोकेशन आई डी इक्वल टू डी डॉट लोकेशन आई डी। लोकेशन टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आई डी, राइट। लोकेशन आईडी यहाँ प्राइमरी की है और डिपार्टमेंट में फॉरेन की है। इसी तरह हमने इनर जॉइन किया कंट्रीज टेबल को सी ऑन सी डॉट कंट्री आईडी इक्वल टू एल डॉट कंट्री आईडी, राइट। इसी तरह कंट्री और लोकेशन में भी रिलेशन है, कंट्रीज टेबल में कंट्री आईडी प्राइमरी की है और लोकेशन टेबल में फॉरेन की है।
ओके यहाँ से करने के बाद फिर हमें इनर ज्वाइन करना है रीजन्स टेबल से आर ऑन आर डॉट रीजन आई डी इक्वल टू सी डॉट रीजन आई डी। ओके तो यहाँ पे हमने पांच टेबल को आई थिंक हम लोगों ने पांच या छह टेबल्स को ज्वाइन किया है, रीजन्स कंट्री लोकेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, पांच टेबल हमने ज्वाइन की है। तो हमारे पास एन टेबल है तो एन माइनस वन ज्वाइनिंग कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने डेटा फैच किया, बट ये डेटा सारे एम्प्लॉयज़ का है। तो आप क्वेरी को एडिट करके है ना, हमने क्या किया यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू 101। ओके यहाँ पे हमने क्या किया, जिस एम्प्लॉय का आई डी 101 है सिर्फ उसी का डेटा दिखाए ताकि हम उसको समझ सकें। सेट लाइन साइज 150। ओके यहाँ पे हम लोग कॉलम जो है सिटी फॉर्मेट उसका सेट कर लेते हैं। ओके कॉलम कंट्री नेम फॉर्मेट 825। ओके कॉलम फर्स्ट नेम फॉर्मेट 810। कॉलम लास्ट नेम फॉर्मेट 810। कॉलम डिपार्टमेंट नेम फॉर्मेट 812। ओके आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा है। ये डेटा हम लोगों ने पांच छह टेबल से फैच किया। तो क्या जब भी हमें ये डेटा फैच करना होगा तो क्या हम इसी तरह से बार बार इतनी बड़ी क्वेरी को लिखेंगे? आई डोंट थिंक सो। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेरी को, इतनी बड़ी क्वेरी को एक नाम दे देंगे, सिर्फ ये कंडीशन हटा देंगे क्योंकि हमें सारा डेटा चाहिए, नॉट अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय। तो हमने क्या किया, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एम्प्लॉय फुल इन्फो एज। ओके तो यहाँ पे आपने एक व्यू बनाया एम्प्लॉय फुल इन्फो एज और ये क्वेरी आपने दे दी और आपने यहाँ पे क्लोज किया, सेव किया और एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ ये व्यू बन गया। तो जब भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देखनी होगी ईएमपी फुल इन्फो तो आप यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ की पूरी डिटेल देख पाएंगे। और कोई स्पेसिफिक देना है तो आप यहाँ कंडीशन भी दे सकते हैं, फिर एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू 102। ओके तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स क्वेरी को आपने एक नाम दे दिया ताकि आपको बार बार इतनी बड़ी क्वेरी जो आपने लिखी थी वो न लिखनी पड़े, ये क्वेरी न लिखनी पड़े। इसीलिए हमने इसको एक नाम दे दिया ईएमपी फुल इन्फो। कैसे, क्रिएट व्यू, व्यू नेम ईएमपी फुल इन्फो एज और हमने उसका नाम दे दिया। राइट समझ में आया गाइस आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में कि हमें बार बार जो जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी होती है हम उसका व्यू बना के रख लेते हैं जिससे हम उस व्यू को एक्सेस करते हैं और वो क्वेरी लिखने से हम बच जाते हैं, है ना। तो यहाँ लेकिन इनसाइड अपडेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि पांच टेबल से डेटा फैच किया गया, आप पाँच टेबल में पैरेलली डेटा नहीं डाल सकते हैं और बहुत सारे हर्डल्स हैं डेटा डालते वक्त। तो क्या व्यू हमारा जो है एक डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, तो अगर पेरेंट उसका डिलीट हो जाए तो व्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक व्यू बनाया, एक टेबल हमारी जेम्स यूज़र के पास है स्टूडेंट, राइट। हमने इस पर एक व्यू बनाया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टड व्यू, राइट। अगर आप डिस्क्राइब करो यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, लाइक टेबल, व्यू, सिनोनिम, सिक्वेंस, प्रोसीजर, ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं लाइन साइज सेट कर लेता हूँ। डिस्क्राइब करते हैं, तो यूजर ऑब्जेक्ट में एक कॉलम होता है स्टेटस, आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो सिलेक्ट, इस यूजर के पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट टाइप, कॉमा स्टेटस फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास कॉलम ऑब्जेक्ट नेम का फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक टेबल है दैट इज़ वैलिड एंड अ व्यू दैट इज़ आल्सो वैलिड। तो हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया हमने टेबल स्टूडेंट्स, लेकिन इस टेबल पे एक व्यू डिपेंड है, राइट। स्टड व्यू ड्रॉप कर देते हैं, टेबल हमारी ड्रॉप हो गई। तो अगर जब आप इस क्वेरी को देखेंगे तो हमारा टेबल तो ड्रॉप हो गया और व्यू क्या हो गया, इनवैलिड, क्योंकि इसका डिपेंडेंट, इसका जो पेरेंट है वो बचा नहीं। तो आप इसमें सेलेक्ट करोगे तो ये डेटा तो टेबल से ही लाता है तो ये ला नहीं पाएगा और ये एरर आ जाएगी इसमें।
लेकिन अगर वो टेबल आप दोबारा बना लें, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स रोल नंबर इंट या नंबर कॉमा नेम कॉमा एड्रेस, ठीक है, और सिलेक्ट करें उस व्यू से, तो वो व्यू दोबारा जो है वैलिड हो जाएगा, राइट। आप अगर इस व्यू को देखें, डिक्शनरी व्यू को देखें, तो टेबल हमारी जैसे ही आ गई तो वो व्यू दोबारा वैलिड हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो किसी भी व्यू की वैलिडिटी डिपेंड करती है उसके पेरेंट टेबल पे, ठीक है ना। आप एक व्यू जो है रीड ओनली भी बना सकते हैं, क्रिएट व्यू, व्यू नेम स्टड व्यू टू एस सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब रीड ओनली व्यू का क्या काम है, अगर आप इसमें सिलेक्ट करो तो, क्योंकि स्टूडेंट टेबल में डेटा है नहीं तो हम वहां पहले डेटा डाल लेते हैं, वैल्यूज, ओके, एक दो रिकॉर्ड हम लोग डाल लेते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। स्टड व्यू टू, ओके, डेटा है हमारा, स्टड व्यू में भी है, स्टड व्यू टू में भी है। आप इस इंसर्ट करोगे स्टड व्यू में वैल्यूज तो इंसर्ट आप कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप करो स्टड व्यू टू में इंसर्ट तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक रीड ओनली है, यानी आप उसमें राइट नहीं कर सकते। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद उस व्यू को रीड ओनली नहीं बनाया है, राइट, मैंने नहीं बनाया है। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं व्यू स्टड व्यू टू और उसको दोबारा बनाते हैं, ठीक है। कैसे, विथ रीड ओनली, ठीक है। विथ रीड ओनली करने से क्या होगा, हम दोबारा इंसर्ट करते हैं इसमें और वो क्या कहेगा, कैनॉट परफॉर्म अ DML ऑपरेशन ऑन रीड व्यू, क्योंकि हमने इस व्यू को कैसा बनाया, रीड ओनली। तो गाइस यहाँ पे आपने ये देखा कि व्यूज जो होते हैं हमारे वो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होते हैं टेबल पे, यानी टेबल के डेटा को फैच करने के लिए, मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स कोई क्वेरी है, बहुत सारी टेबल से ज्वाइनिंग है, ग्रुप फंक्शन है, हैविंग है, तो क्वेरी बार बार नहीं लिखनी पड़े तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, तो उस नाम को क्या बोला जाता है, व्यू। सिंपल व्यू है जिसमें DML ऑपरेशन हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स व्यू है जिसमें DML ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो गाइस व्यूज में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिक्वेंस और सिनोनिम बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।